अस्सलाम वालेकुम, ये डॉन न्यूज़ का वोकैब है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसी अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए डॉन की वोकैब आज के मतलब आज डेली रूटीन में ये वोकैब इस्तेमाल होती है। तो डॉन वोकैब आप डेवलप करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर और ईजी तरीके से डॉन की वोकैब समझाऊँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डॉन की वोकैब वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं डॉन के हवाले से कुछ वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और मेरी ये कोशिश होगी कि एक सिंपल और इजी तरीके से और सिंपल आप एक टेक्निक ट्रिक के साथ आपको वोकैब आपकी डेवलप कराऊँ कि आपको कोई भी रटा फिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जस्ट ट्रिक से भी वो वर्ड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो वर्ड होते हैं उसकी अपोजिट मीनिंग मोस्ट यूजुअल वर्ड होते हैं, जैसे इन वर्ड होते हैं वो भी अपोजिट मीनिंग होते हैं। तो इसी वीडियो में हमें यही देखेंगे कि हम कैसे रूट वर्ड से और कैसे वर्ड को जल्दी से उसको अंडरस्टैंड करें। तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है सिंपल, और ये भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट भी कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेटी जस मीन्स सेकिंग लीगल रेमेडीज, अ पर्सन हु वांट्स टू लीगल रेमेडीज आल्सो नोन एज लेटी जस। लॉबी, लॉबी ऐसे कहें ट्राई टू परस्यू आर एंट्रेंस हॉल, कोई पर्सन हॉल में एंटर होना या परस्यू करना उसे लॉबी कहते हैं। ल्यूसट मीन्स क्लियर एक्सप्लेन्ड, ल्यूसट ऐसे दूसरा वर्ड ये भी आप कह सकते हैं। कोई भी चीज़ ल्यूसट मैंने समथिंग इज क्लियर एक्सप्लेन, कोई चीज़ रियली क्लियर एक्सप्लेन है उसे ल्यूसट कह सकते हैं। मैग्नियमस मीन्स जेनियस माइंडेड आर बिग हेडेड, बिग जैसे आप मेग से अंडरस्टैंड, मेग नी मस मीन्स अ पर्सन हु हैज़ गुड हार्ट, अ पर्सन हु हैज़ बिग हार्टेड, अ पर्सन हु इज जेनियस आल्सो मैग्नेमस, मैग्नेमस। अनदर मैंडेट, मैंडेट ये ऐसे कह सकते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो हम अच्छा से बेहतर करने के लिए मैंडेट, उससे मैंडेट कह सकते हैं। कि सपोज मैंडेट आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमिशन, आपको परमिशन दी जाती है कि ये आप स्टेज पर आकर ये कुछ कह सकते हैं, तो उसे मैंडेट कहते हैं। मैंडेटरी कंपलसरी, ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप जब भी स्टेज पे जाते हैं तो आपको जो पहले नाम बताना होता है, फिर जो भी आपको प्रोसीजर हो तो अप्लाई करना होता है। या सपोज़ आप कोई इन टेस्ट में जाते हैं तो मैंडेटरी होता है कि आपको सपोज़ COVID-19 की वजह से लोगों को क्या करना होता है, ये मैंडेटरी एक मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। तो इसलिए ये मैंडेटरी वर्ड भी आप इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स कंपलसरी है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको COVID-19 भी हो सकता है, खुदा न खास करे अगर किसी को हो जाए, तो इसलिए मैंडेटरी है कि कोविड मास्क ज़रूर पहने। मैनीफेस्टो इमरान खान पहले ही बोल चुका था कि मेरा ये मैनीफेस्टो है, मीन्स शोफा या किसी चीज़ को स्टेटमेंट के साथ उसको एक्सप्लेन करना, मैनीफेस्टो मीन्स स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़, या किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, ये मैनीफेस्टो इसका ये मकसद है, ये मेन है, मशन है, उसको मैनीफेस्टो भी कहते हैं। मैनीपुलेटिव, एक बात याद रखना चाहिए, जो भी मैनी वर्ड आता है मैन्यूफैक्चर, जैसे लाइक मैन्यूफैक्चर मीन्स कोई चीज़ हाथ से बनाई जाती है, मैन्यूफैक्चर जैसे लाइक मैनीपुलेटिव मीन्स डिसेप्टिव स्किल फील्ड एट, कोई पर्सन जो हाथ के हुनर से होशियार हो उसे मैनीपुलेटिव कहते हैं। जस्ट लाइक मैनीपुलेशन भी कह सकते हैं उसे, मैनीपुलेटिव ही इज़ मैनीपुलेटिव पर्सन, इट मीन्स ही आर शी हैज़ गुड स्किल्स इन हैंड राइटिंग। आर सपोज कोई बंदा है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंध में, यहाँ क्योंकि हमारी ये सकाफत है कि भरत भरा जाता है और वो हाथ का हुनर है वो मशहूर है, उसे मैनिपुलेटिव भी कह सकते हैं। उसके बाद है मार वर्ड की मीनिंग अपोजिट है, मार से बनाए मेड मीन्स स्पॉइलर, रन मीन्स तबाह करना, किसको ख़राब करना। मिगर मीन्स वेरी स्मॉल, मिगर मीन्स वेरी संभाल संभाल, स्केंटी आर स्केयर किसी को दें, स्केयर सी मीन्स समथिंग वेरी लिटिल बिट, उसे स्केयर सी कहते हैं। अनइम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अमेरिकन सी सीकिंग मनी अबव ऑल दिस इंटरेस्टेड इन मनी अगेन
उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस से ये समझे टेक केयर ऑफ डिटेल्स, कोई भी डेटा होती है कोई सॉरी कोई भी डिटेल्स होती है उसके आपको ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है उसके टेक केयर करें। उसके बाद है मफ्ट ये ऐसे समझे मफ मीन्स वैक्स अनोई किसी को तंग करना किसी को मफ करना। ये तो ऐसा बंदा जैसे आप कोई शरारती बंदा उसे ये कहते हैं ये तो मफ़ करता है ये शरारती बंदा इसका काम ही ये मफ में वो तंग करता रहता है उसका यही काम है मफ़ करना। मिट्टी गेट मिट्टी क्या दी है मिट्टी में जो आप भी सपोज मिट्टी गेट मिट्टी है उसमें पानी मिलाने को ख़त्म वो गर सर वो मन गर जाएगी जैसे डिजॉल्व हो जाएगी सपोज इससे भी आप ट्रिक बना सकते हैं कि टू रिड्यूस या ऑपरेट मोडी कम इंस्टनी अमाउंट मोडी कम से आप याद कर सकते हैं मोडी है वो क्या है दुनिया के कम लीडरों में एक है तो मोडी कम मीन्स ट्रिनी अमाउंट ये समझें कि दुनिया में मोडी एक कम है एक ही है दूसरा मोडी है नहीं तो इसलिए मोडी कम मोदी से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। मोमेंटस मीन्स ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस जो भी जिसकी अच्छी इम्पोर्टेंस है मोमेंटस मीन्स इन मोमेंट ये अच्छी प्रोग्रेस में उसे मोमेंटस कह सकते हैं। उसके साथ है मोनोटोन्स मोनो मीन्स वन टोन्स में ये मोनोटोन्स मीन्स ये एक ही बात करता है ये मोनोटोन्स है ये बस अपने फेवर में बात करता है दूसरों के फेवर में बात नहीं करता ये चाहता है बस फ़ायदा हो तो मेरे को बस दूसरों को नहीं हो तो इसे क्या बोल सकते हैं हम डल भी कहते हैं या रिपीटेटिव भी कहते हैं ये बस खुद ही चाहता है मैं बस करूँगा तो दूसरों को कुछ क्या करना कुछ नहीं करने दूँ। उसके बाद है मॉर्बिडिटी मीन्स कंसर्न विद डेथ एंड डिजीज मॉर्बिडिटी मीन्स कंसर्न कोई बंदा होता है जो सपोज वो मॉर्बिडिटी है वो सपोज साइकोलॉजी है वो उससे परेशान होती है या मैं बीमार ना हो जाऊँ या मैं किसी डेथ में या मैं मर न जाऊँ तो उसे भी मॉर्बिडिटी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मोटली से मोटा पर्सन कहता होता है वो हैवी होता है वेरी होता है डिफरेंट होता है मोटली होता है मिस कैंसिलेशन भी कह सकते हैं। सरकमवेंट मीन्स वाइट और आउटफिट बेफल सरकम मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ जो घूम रही है सरकमवेंट मीन्स बेफल है मान कन्फ्यूज है बंदे भी कन्फ्यूज है हाउ वी टॉक व्हाट वी से बस वो अवॉइड कर रहा है ऐसे सरकमवेंट आप समझ सकते हैं। कोलिशन को मीन्स कोऑपरेट किसी को मिलाना मैंने यूनाइट ऑफ टू पार्ट्स है कोलिशन ऐसे होता है सपोज पाकिस्तान चाइना ये कोलिशन है यकीन क्योंकि पाकिस्तान जो चाइना ये मिलकर जो भी सीपेक का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है उस पर काम कर रहे हैं इससे आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोलिशन कोर्स मीन्स कंपीट ऑफ फोर्स कोर्स आप ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर इशू है वो कोर्स इशू है उसे दबाया जा रहा है जो उसके बाद है कोगनेसिस ये समझें आप ट्रिक से मेंटल नॉलेज को मीन्स हार्ट या दिल गनेटिस मीन्स जेनेटिस किस वर्ड से होता है मैग्नेटिस टाइस वर्ड आपने पढ़ा होगा दिमाग से रिलेटेड है ये ऐसे कि मेंटल दिमाग से नॉलेज रख होता है उसे दिमाग से नॉलेज रखता है या वो कोई पर्सन जो सपोज होशी वो इंटेलिजेंट है साइकोलॉजी के हवाले से वो मेंटली प्रॉब्लम के जानता है वो उसे हम कह सकते हैं कोगनाइशंस पर्सन कह सकते हैं। उसके बाद है कॉम्पीडियस मीन्स कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समार स्पेस फ्यू वर्ड्स छोटे स्पेस में काफ़ी वर्ड्स आ जाए कुछ वर्ड्स आ जाए। कॉन्सिलेटरी में ब्रिंगिंग टुगेदर एंडिंग डिस्प्यूट कॉन्सिलेटरी मीन्स किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करना सूथ मीन्स सूथ ये समझे कि ये सूथ है ये आस्ता आस्ता ख़त्म हुआ जा रहा है ये आस्ता आस्ता ठीक किया जा रहा है। कनकर्ड आप सिंपल कह सकते हैं कार्डियोरास क्या होते हैं कनकर्ड होते हैं अग्री होते हैं अग्रीमेंट भी ट्रिक से बना सकते हैं कनकर्ड मीन्स अग्रीमेंट कार्डियोलॉजिस क्या होते हैं वो अग्रीमेंट है तो वो सेटिस्फाई भी होते हैं इसलिए उससे आप ट्रिक बना सकते हैं कनकर्ड अग्रीमेंट। कंडन मीन्स टॉलरेट कंडन मीन्स कोई इलाका है वहाँ सुरताल तो ख़राब है उसको यहाँ सपोज वहाँ सुरताल ख़राब है क्लेश हुआ है तो लोगों को क्या करना चाहिए तो कंडन करना चाहिए कंडन वो इलाका पूरा कड़ा लगा दिया गया है
लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कंडन करना चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ जो भी इश्यूज है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, वो उसको आपस में बैठ कर रिजॉल्व करना चाहिए। उसके बाद है कॉन्फ्लेशन मीन्स ग्रेट फायर, उसके बाद है कॉन्फ्लेशन मीन्स ग्रेट फायर, कोग्नियल मीन्स फ्रेंडली, कोजिनियल मीन्स फ्रेंडली सोशल सुटेबल। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वेरी सिंपल एंड टेक्निकल, को मीन्स फ्रेंडली, एनी पर्सन हु जीनियल मीन्स सच्चा सच्चार, कोई पर्सन जो जो इकट्ठा रहते हैं, जो एक दूसरे से हमदर्दी दिखाते हैं, वो क्या सोशल वर्क होते हैं, सोशल वर्कर क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सूटेबल भी होते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, उसका काम ही है कि भलाई करना। अब उसके बाद है कोनेसेसर में एक्सपर्ट विथ गुड टेस्ट और जजमेंट, कोई पर्सन जो ये बता सकता है कि ये अच्छी बात है। उसके बाद है कौन सीक्रेट मैंने डेडिकेट और मेक हॉली, किसी को अच्छा बनाना, किसी को हॉली करना। कंज्यूमेट मीन्स टू कंज्यूम मीन्स सुपर मिली फूड गुड, कंज्यूमरेट मीन्स सॉरी कंज्यूमेट मीन्स सुपर मिली गुड, सुपर मिली गुड। क्वान्टिजियस ये आप सिंपल आम ये ऐसी बीमारी जो वाटर के थ्रू से फैलती है, जैसे या सिंधी में सॉरी उर्दू में वबा भी कहते हैं, पास्ट ऑन थ्रू टच इन्फेक्शन, ऐसी बीमारी जो टच बॉडी की उससे टच से या ट्रांसफर होती है या उससे क्वान्टिजियस डिजीज होती है। क्वान्टिजियस डिजीज जस्ट लाइक हम COVID-19 को भी क्वान्टिजियस कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि हम किसी भी इफेक्टेड पेशेंट को हाथ डालते हैं तो वो इससे भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। कन्वर्जेंस मीन्स कन्वर्जेंस, कोई भी चेंज हो सकती है, कमिंग टुगेदर कन्वाइवल मीन्स सोशेबल मीन्स वो अच्छा करता है, सोशेबल है। उसके बाद है क्यूपस मीन्स इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और कोरोलरी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस आर इन्फ्रेंस, कॉन्सिक्वेंसेस को सिंपल आप यू कैन से आफ्टर मिथ यू कैन से रिजल्ट। कॉर्पुलेंस मीन्स वेरी फैटनेस, कोई बंदा कॉर्पुलेंस है वो हैवी है उसे कॉर्पुलेंस कह सकते हैं। सपोज कोई बंदा का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हैवी बंदा है, आप सपोज हमारे यहाँ लव हैवी बंदा है तो हम लव का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रेडिबिलिटी मीन्स बिलीफ ऑन साइट स्लाइट एविडेंस। उसके बाद है कम्युलेटिव मीन्स बिल्डिंग अप टू मेक अप टू डू बेटर, वी कैन से दैट। कर्सरी मीन्स सुपरफिशियल, कर्सर होते हैं क्या करते हैं सुपरफिशियल कर्सर है, ये होते हैं कि मतलब पॉइंट आउट करते हैं कहाँ से कर्सर है, ऐसे टारगेट बना सकते हैं। कट डाउन। डी अलायंस में साथ ही डी अलायंस मैंने उससे नहीं मिलकर काम करना चाहिए, डी अलायंस ये सब कुछ समझते हैं। डी अलायंस नॉन सीरियस इन्वॉल्वमेंट टॉइंग और प्लेइंग, जो डी अलायंस मीन्स नॉन सीरियस इन्वायरमेंट टॉइंग और प्लेइंग सीरियस ना होकर के प्ले के लिए प्ले करना, क्योंकि अलायंस होते समझते हैं सीरियस होकर के हम एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई अच्छा खेलना चाहिए, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, कोई बंदा हमारे टीम में कमी होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद डर्थ ये अब इससे मतलब इसके सिंपल है, डर्थ जैसे डेथ हो गया तो क्या हुआ, खत्म हो गया मीन्स लेक शॉर्टेज, डर्थ डेथ से आप डिस्क बना सकते हैं। डर्थ मीन्स लेक। डिबेकेट मीन डिजास्टर, डिबेकल मीन डिजास्टर। डी मीन्स रिमूव, बिलियट बिल को रिमूव करना, ख़त्म करना, कमज़ोर करना। डी बंक पड़ता है, डी बंक मीन्स थ्रो आउट ऑल्ड इन आइडियाज, थ्रो आउट इन आइडियाज। डिफॉर्मेंट्स मीन्स डिले, डिफर मीन्स डिले। डिफर को आप डिले कह सकते हैं या सिंपल ये तो डिफर है, ये बंदा डिफर है, इट मीन्स ही आर शी लुक्स लाइक डिले आर लुक्स लाइक एज ए लेजीनेस, लुक्स लाइक एज लेजीनेस। सो दैट्स वाई यू कैन यूज डिले। और उसके बाद डेल्ट्रस मीन्स हार्मफुल, डेल्ट्रस मीन्स हार्मफुल, डिलीट करता है क्या कोई चीज़ हार्मफुल होती है, डिलीट करते हैं। उसके बाद डेलिब्रेशन मैन केयरफुल थाट, सिंपली ही डिड मिस्टेक डेलिब्रेटली मीन्स ही मिस्टेक, इसने मिस्टेक की डेलिब्रेटली मीन्स ही न्यू दैट बट ही डिड, ये जानता था लेकिन उसके बावजूद इसने की, केयरफुल था, उसको ये पता भी था ये था लेकिन उसके बाद की। डेलिनेट मीन्स आउटलाइन,
demagogue or leader or agitator, we can say that demonstrative means express emotion freely. Demonstrative means to point out, we कह सकते हैं demonstrative, demo, उसमें emotion को express किया जा सकता है. demo क्या दे कहते हैं, demonstrate किया जाता है. denude means stripped, denude means stripped, किसी भी simple कोई भी suppose denude means किसी को हटाना, किसी को suppose है जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो गिरते हैं तो उससे वो ज़मीन में दब जाते हैं, उसे वो कि गिर जाते हैं तो डिन्यूट भी कह सकते हैं वो हटाना. या सपोज यहाँ देखें कि अभी मकड़ और सॉरी लोकस्ट जो आए थे, जो लोकस्ट आए थे, जो तिड हमें उसको कह सकते हैं लोकस्ट, उसने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं उसके उस पर इफेक्ट किया था, तो प्लांट्स के लीव्स होते थे हुए थे वो डिन्यूट हो गए थे क्योंकि वो गिर गए उसके इफेक्ट से. डिप्रेशटरी मीन्स डी वैल्यू क्रिटिसाइजिंग. डिप्रेशटरी आप ये समझ सकते हैं कि डी मीन्स रिमूव, प्रीशिएट इसको प्रीशिएट नहीं किया जा रहा है, ये तो पहले डिप्रेशिएट हो गया. इट मीन्स दैट जैसे आप बोल सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की इकानमी तो डिप्रीशिएट है, उसके बावजूद इमरान खान ने यह बोला तो पाकिस्तान इकानमी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल एंड इज़ गोइंग ऑन राइट वे. तो इससे भी आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं. और दूसरा ये वर्ड है derelict, it means that run down, abandon. derelict, d means remove, lect किसी को छोड़ देना, d means remove, leave them. उसके बाद है dried means smoke करना, dried means smoke. उसके बाद है despoiled means plunder, rob, deprive मैंने किसी को उसका राइट्स नहीं दिया जाए, उसको डिस्प्राइव कह सकते हैं. डी स्पॉयल, स्पॉयल पहले ही उसको डिस्पॉयल किया जा रहा है फिर भी स्पॉयल किया जा रहा है. पलंडर मिसल टेक इट इलीगली, उसकी पलंडर भी कहते हैं. रोब दाबो, रोब मिस जस्ट लाइक टू प्रेशर आर टू प्रेशराइज आर सप्रेस भी कह सकते हैं. डिवियस मीन्स कनिंग, डिवियस. डिड एक्ट इंटेंट टू प्रीच आर टीच एंड एक्ट ऑफ टीचिंग, ऐसा तरीका जो टीचिंग का है. और उसके बाद है डायलिट्री मीन्स स्लो सेलेक्शन. डायलिट्री आप ही ऐसा कह सकते हैं, डायलिट्री ये तो डायलिट्री है, ये स्लो है, ये कट डाउन है, ये तो इकानमी डायलिट्री तरफ जा रही है. डायलिट्री मीन्स पाकिस्तानी इकानमी है भी डायलिट्री, ये स्लग्स है, ये कट डाउन है, ये हमारे जो मतलब इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, हमारा जो रुपीज़ है वो गिर रही है. उसके बाद है डिस मीन्स रिमूव, आर्मिंग. डिस आर्मिंग मीन्स चार्मिंग अनअर्थनिंग, चार्मिंग किसी मंत्र, चार्मिंग को ताबीज़ मंत्र भी कहते हैं. उसके बाद अनथ्रेटनिंग, थ्रेटन को ख़त्म करना. डिस्क्रीमेंट में जजमेंट. डिस्क्रेपेंडेंसी मीन्स इनकन्सिस्टेंसी. उसके बाद डिसल्यूशन, डिसल्यूट मीन्स फ्रीड फ्राम रॉन्ग आइडियाज. डिसल्यूशन मीन्स नेगेटिव है, डिसल्यूटन मीन्स ये बुरे ख्याल हैं उसको ख़त्म किया जाए. इसके बाद डिस इंडिजेंस मीन्स क्राफ्टी, डबल डीलिंग. डिस इंजीनियस मीन्स क्राफ्टी आर डबल डीलिंग. उसके बाद है डिसपेरिज. डिस मीन्स रिमूव, पेरिज मीन्स जो राइट्स हैं उसको नहीं दिए जा रहे हैं, डिसपेरिज किया जा रहा है, उससे इक्वल नहीं किए जा रहे हैं. पेरिज मीन्स इक्वल, यू कैन अंडरस्टैंड. डिसपेरिज आवर राइट्स आर नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट्स वाई वी आर डिसपेरिज. दैट्स वाई यूजुअली पीपल आर डिसपेरिज. It means that their rights are not given by the government. PTA government just like wants to disparage. Disparage means ये एक निज़ाम चाहती है कि एक बंदे को rights है दूसरे को नहीं है. Just like ये आप बोल सकते हैं कि यो सिंध आइलैंड्स ऑर्डिनेंस भी हुआ था, उस पर भी डिस्पेरेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं. डिस्पेरेज वो पेरेज बराबर ही नहीं है, उस सिंध को बस एक यूनिट बना रहे हैं, बस सिंध को अपना राइट्स नहीं दे रहे. उसके बाद है डिस्टेंशन स्वेलिंग आर डिस्टेंड आर एक्सपेंड. डिस्टेंशन ये समझ सकते हैं कोई भी चीज़ बढ़ना, कोई स्वेलिंग होना, कोई एक्सपेंड होना हो. उसके बाद है मल्टी फेरस में हैविंग मैनी एक्सपेक्ट. उसके साथ साथ मैनी एक्सपेक्ट हो सकते हैं, उसके मैनी एक्सपेक्ट मल्टी मीन्स मैनी, फेरस मीन्स एक्सपेक्ट कह सकते हैं. मायोपेटिक, मायो आइसोलेटेड. शॉर्ट साइटेड
ऐसे पर्सन वो छोटी छोटी थी, मतलब वो उसकी जो मतलब सब माइपिक शॉर्ट साइटेड वो पर्सन जो को जो मतलब नज़दीक वाली चीज़ें वो देखता कम है, ऐसे कह सकते हैं शायद। नेविएट मीन्स इनकन्वेंशनल, लेक ऑफ वर्ड्स, नेविएट 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 मीन्स इन ऑनेंस और उसके बाद है लेक ऑफ वर्ड लाइन्स। उसके बाद है नेफ्रस मीन्स नेफ्रस, ये पर्सन तो नेफ्रस है। इनफेमस आर वेरी विक्ट, इससे दूसरा सिंपल ये भी कह सकते हैं डिफेम कह सकते हैं, ये पर्सन वेरी बैड गलत काम कर रहा है तो इसलिए निफ्रेश कह सकते हैं। जस्ट लाइक पीटीआई गवर्नमेंट क्या करती है ये निफ्रेश करती है। उसके बाद है निगेट मीन्स वाइप आउट आर निलीफाई मीन्स नल, हैविंग नो इम्पैक्ट, ये तो नल है ये तो निलीफाई है, उसे निगेट कहते हैं। उसके बाद है नेमोसिस फैट आर डॉम, नेमोसिस फैट को सिंपल फैट की एक तो फैट हैवी बॉडी को भी कहते हैं, दूसरे फैट आप डेस्टिनी को भी है। जस्ट अनदर वर्ड्स वी हैव नेलिज्म मीन्स बिलीव इन नथिंग एन आर की, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि कोई बंदा वो बिलीव नहीं कर रहा है कि ये है ही नहीं, बस जस्ट लाइक नहीं है बस ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिप्ट मीन्स ये डिस्क्रिप्ट है नहीं, हैवी नो स्पेशल क्वालिटीज आर नहीं, वो ये नॉन डिस्क्रिप्ट उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, वो तो किसी काम की चीज़ के नहीं है तो उन्हें हम नॉन डिस्क्रिप्टिव कहती हैं। नोटरेटी मीन्स इनफेमी, नोटरेस पढ़े हमने पहले ही पढ़ लिया था, निफ्रेस से नोटरेस बना सकते हैं आप निफ्रेस से। और उसके बाद ऑब्सिक्वस मीन्स स्लेविश आर फैनिंग, ऑब्सिक्वस मीन्स स्लेविश आर फैनिंग। उसके बाद ऑक्यूलेंट मीन्स शट आउट मीन्स किसी को ऑक्यूलेंट करना, किसी को शट आउट करना, किसी को दबा देना। ऑफिशियस मीन्स इंटरफेयरिंग मीन्स मदाखिल करना। उसके बाद है ओरिनेस मीन्स बर्डन इस इससे बर्डन है, ओरिनेस मीन्स बर्डन सम। ओपेस्टी मीन्स लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बींग ओपेक, ओपेस्टी मीन्स ट्रांसपेरेंसी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बींग ओपेक तो है लेकिन उसके बाद फिर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं है। अपॉर्चुनिज्म मीन्स ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिज्म आप एक को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुनिज्म बना हुआ है। इज्म सपोज अ पर्सन हु हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिज्म, इट मीन्स दैट ही आर शी हैज़ अपॉर्चुनिज्म, ही हैज़ गॉट अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अपॉर्चुनिज्म। जस्ट लाइक भुट्टोज्म, अ पर्सन हु वर्क्स इन पीपी, सपोज भुट्टोज्म कहते हैं जो भुट्टो को फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक इज्म कोई दूसरा भी वर्ड बना सकते हैं, जस्ट लाइक हिंदुज़म, जस्ट लाइक बुद्धिज़म, इज्म से आइसम इज्म मीन्स फॉलो, जस्ट लाइक उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसी मज़हब को या उसी को जो को फॉलो कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिज्म भी अपॉर्चुनिटी से बना हुआ है। उसके बाद ऑप्टिंग क्या होता है, यू हैव ऑप्शन मीन्स आपको ये ऑप्शन है, किसी कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ऑप्टिंग ऑप्शन से ऑप्टिंग बना सिंपल। ऑप्यूलेंस मीन्स लेविश डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ऑप्यूलेंस जिसके पास वेल्थ है वो क्या कर सकते हैं, वो तो सिंपल है वो वो सपोज वो लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं, तो जो रिच पर्सन है वो क्या है, ओपिलेंस है। उसके बाद है ऑरिनेट मैंने एक्सट्रीमली डेकोरेटेड, ऑरिनेट ऑरिनेट्स क्या होते हैं, वो डेकोरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो उससे बनाए ऑरिनेट बनाए आप ये समझें कि डेकोरेट समथिंग दैट इज ब्यूटीफाई एस समथिंग दैट लुक्स लाइक वंडरफुल, दैट्स ऑल्सो नोन एज ऑरिनेट। सो मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आया है आपको अच्छा लगा है, अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन दैट टॉपिक। इफ़ यू आर एनी क्वेरी यू मे आस्क, आई होप यू विल गेट यू विल फील दिस वीडियो इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ।